हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं किडनी के बारे में। ठीक है ना, तो ह्यूमन बॉडी में दो किडनी होती है, एक होती है राइट साइड में, एक होती है लेफ्ट साइड में। इनकी शेप देखो तो बीन शेप, जो राजमा खाते हैं तो राजमा शेप है ना, तो कौन सी होती है? बीन शेप किडनी। सो बोथ किडनी कौन सी होती है? बीन शेप। एक होती है राइट साइड में, एक होती है लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड किडनी और लेफ्ट साइड किडनी दोनों लाइक करती है पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल पे, मतलब मसल्स। पोस्टेरियर वॉल के कंटेंट देखोगे तो मोस्टली क्या होती है? मसल्स होती है। तो ये लाइक क्या करती है? पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल पे वर्टिकली। सो ऐसे लाइक करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड लेटरली, है ना। सो अपर पोल क्या होगी? टुवर्ड द मिड लाइन, और लोअर पोल अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो कौन से? दो किडनी है, किडनी के दो पोल्स होते हैं, ठीक है ना। सो अपर पोल एंड लोअर पोल, अपर पोल को बोलते हैं ब्रॉड एंड थिक, एंड लोअर पोल इज अ पॉइंटेड, ठीक है ना। तो किडनी क्या होती है? दो पोल, अपर पोल एंड लोअर पोल। इसमें देख सकते हो जो अपर पोल होती है उस पर लगता है सुपरारीनल ग्लैंड, इसमें साथ साथ जुड़ा हुआ है कौन सा है? सुपरारीनल ग्लैंड। सो दिस इज द अपर पोल ऑफ द किडनी, ये कौन सा है? लोअर पोल ऑफ द किडनी। एंड टू सरफेस होती है, इंटीरियर सरफेस एंड पोस्टेरियर सरफेस। ऐसे देखोगे आप तो इजली आइडेंटिफाई नहीं होता है, लेकिन जो एंटीरियर सरफेस क्या होता है? थोड़ा रॉफ होता है बोथ किडनी का, या इरेगुलर होती है। इरेगुलर क्यों होता है? यहाँ पे होती है एब्डोमिनल विसरा की रिलेशंस। एंटीरियर सरफेस क्या होती है? एब्डोमिनल विसरा की रिलेशन। फॉर एग्जांपल बोल सकते हो यहाँ पे लीवर का, ठीक है, ड्यूडेनम का। तो क्या होती है? एब्डोमिनल विसरा के रिलेशन की वजह से क्या होती है? जो एंटीरियर सरफेस इरेगुलर होती है, और पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है? स्मूथ होती है, बिकॉज ये कहाँ लाई करता है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में मोस्टली क्या होती है? वहाँ पे मसल्स, है ना, मसल्स पे लाई करती है। तो पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है? स्मूथ। और एंटीरियर सरफेस क्या होती है? यहाँ पे थोड़ा इरेगुलर। एंड टू बॉर्डर होती है, लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर टुवार्ड द मिड लाइन, जिसपे क्या होगा? थोड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना। और जो लैटरल बॉर्डर होती है वो होती है कन्वेक्स, यानी यहाँ पे वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी। तो कौन सा यहाँ पे होती है? लैटरल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर क्या होती है? अपर पोल और लोअर पोल की तरह कन्वेक्स होगी, और बीच में क्या होगी? कनकेव होगी। उस कनकेव में कुछ स्ट्रक्चर पास करता है और कुछ स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है, उसको बोलते हैं हाइलम ऑफ द किडनी। कौन सा हो गया? हाइलम ऑफ द किडनी। तो हाइलम ऑफ द किडनी मेनली तीन स्ट्रक्चर पास करती है या वहां से निकलती है। एक होती है रीनल वेन, ठीक है ना, एक होती है रीनल आर्टी। तो रीनल वेन और रीनल आर्टी में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो थीन वॉल ट्यूब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसको बोलते हो रीनल वेन, जिसमें क्लोफ सेवर पावर होती है। ये थीन वॉल वेन, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, जो थीक वॉल होता है, जिस तरह रीनल आर्टी। तो कौन सा? रीनल वेन, रीनल आर्टी। एक स्ट्रक्चर होती है जो ट्यूबलर स्ट्रक्चर, दैट इज अ रीनल पेल्विस, है ना, यहाँ पे होती है रीनल पेल्विस। नीचे कंटिन्यू करता है यूरेटर में, जो यूरिनरी ब्लैडर जाकर कनेक्ट करता है। कौन सी? यहाँ पे यूरेटर। तो तीन स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? रीनल वेन, रीनल आर्टी एंड द पेल्विक यूरेटर, ठीक है ना। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट किडनी एंड द लेफ्ट किडनी। आप लेफ्ट किडनी में देखोगे तो वही मिलेगा, एंटेरियर सरफेस जो इरेगुलर, पोस्टेरियर सरफेस स्मूथ, जो लैटरल बॉर्डर कन्वेक्स, मीडियल बॉर्डर कन्वेक्सो कनकेव। इन द मिडिल ऑफ द मीडियल बॉर्डर दे इज अ हाइलम, दैट इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द किडनी, दैट इज अ रीनल वेन। अगेन आप इसे देखते हो कोलेप्सेबल पावर, ये थीन ट्यूब, ठीक है ना, थीन वॉल ट्यूब दिखाई दे रहा है। कौन से यहाँ पे? रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी। आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कौन सी? रीनल आर्टरी, जो यहाँ पे सेगमेंटल ब्रांचेज दे रही है। दीज आर द सेगमेंटल ब्रांचेज ऑफ द रीनल आर्टरी एंड द पेल्विक यूरेटर, ठीक। आप इस बेसिस पे अगर हम थियोरेटिकली देखोगे तो ये सब चीज होती है एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, जो एंटीरियर रेगुलर होती है, पोस्टीरियर स्मूथ होती है, अपर पोल ब्रॉड होती है, लोअर पोल नैरो होते हैं। दीज आर द थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली में देखोगे तो ये सब डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम सिर्फ हाइलम के बेसिस पे, दैट इज अ मीडियल बॉर्डर के बेसिस पे, जहां पर हाइलम प्रेजेंट में उसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी किडनी राइट साइड की और कौन सी किडनी लेफ्ट साइड की। तो यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हाइलम, आपने देखा रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस, ठीक है ना। तो जो रीनल वेन होगी वो सबसे आगे होगी, ठीक है ना, दैट इज द रीनल वेन इज द एंटीरियर मोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे सो द एंटीरियर मोस्ट इज द रीनल वेन, उसके बाद देखोगे रीनल आर्टरी एंड पोस्टेरो इन्फेरियर, जो यूरेटर है कौन सा है? पोस्टेरो इन्फेरियर, दैट इज द रीनल पेल्विस और द यूरेटर,
ठीक है ना। सबसे ज्यादा थ्री स्ट्रक्चर इंटीरियरली कौन सी है, रीनल वेन, आप इसमें देख सकते हो कौन सी है, रीनल वेन, देन रीनल आर्टरी एंड द रीनल पेल्विस, ठीक है ना। अगर इसी को, तो किस साइड की किडनी है यहाँ पे, राइट साइड की, अगर इसको हम जस्ट उल्टा कर देते हैं, सपोज ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। आप देखो इसमें हम कुछ देखना, सिर्फ हाइलन देखना है, इसमें क्या देखना है यहाँ पे, जो पेल्विक, जो रीनल पेल्विस है वो सबसे कौन सा है, एंटेरो इन्फेरियरली, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा है, एंटेरो इन्फेरियरली, उसके बाद कौन सा है, रीनल आर्टरी, उसके बाद कौन सा है, रीनल वेन, दिस इज अ रॉन्ग, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको मान लेते हैं हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, तो रीनल वेन सबसे आगे दिख रहे हैं यहाँ पे, रीनल आर्टरी दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर है, या पेल्विक यूरेटर है, ठीक है ना, वो कौन सा है यहाँ पे, पोस्टेरो सुपेरियरली, अब ऐसे डाउनवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा है, पोस्टेरो सुपेरियरली, ये भी रॉन्ग है। तो हम कैसे रखेंगे किडनी को, इस तरह से रखेंगे, ऐसे करके मान लो हाथ रख रहे हैं, जैसे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो सबसे कौन सी है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड द रीनल पेल्विस, ओके। सो दिस इज द राइट साइड ऑफ द किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी, इसमें भी देख सकते हो यहाँ पे कौन सी है, रीनल वेन, ठीक है ना। सो दिस इज द रीनल वेन, दिस इज द रीनल आर्टरी एंड दिस इज द पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर, सो दिस पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर, अपर पार्ट इज द डेवलपर्स द पेल्विक एंड दिस इज द यूरेटर, ओके। सो दिस इज द थ्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हाइलम ऑफ द किडनी, ओके। सो व्हाट आर द रिलेशन ऑफ द किडनी, सो ऑन द राइट साइड, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, सो द अपर पोल ऑफ द किडनी देयर इज अ सुप्रारीनल ग्लैंड, देन इज द लार्जेस्ट पार्ट इज द राइट लोब ऑफ द लीवर एंड लोअर पार्ट देयर इज अ असेंडिंग कोलोन एंड द मीडियली देयर इज अ जेजुनम एंड अलोंग विद द मीडियल बॉर्डर ऑन द एंटीरियर सर्फेस देयर इज अ ड्यूडेनम, ओके। सो दिस एंटीरियर रिलेशन ऑफ द राइट किडनी and the left kidney, you can see this is the left kidney of the anterior surface, so the left kidney upper pole there is a left suprarenal gland, below to there is a gastric impression, that is a fundus of the stomach, after this there is a splenic impression along the lateral border, so there is a splenic impression, there is a pancreatic impression, and here is a jejunum and is a colic flexor of the descending colon or the colic flexor of the large intestine, okay. So this is the anterior lesion of the both kidney, but the posterior lesions of the both kidney is the same, that is a medial to lateral there is a three muscles, in the upper part of the posterior surface there is a diaphragm, okay. So the medial to lateral of the posterior surface there is a three muscle, that is a medial most is a source major muscles, then the quadratus lumboral muscles, and the lateral muscle is a transversus abdominis muscles. Between the diaphragm and these muscles, there is a median and lateral arcuate ligament which separate the diaphragmatic surface from the muscular surface. Okay, and so in the right kidney, these are the same relations, but the right kidney, left kidney, the posterior superior to the three nerves, superior to inferior, the subcostal nerves, iliohypogastric nerve, and the ilioinguinal nerve. So this is all about the demo classes of the kidney. Thank you watching for this video.